अल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं और ये एक आलम दीन है माशाल्लाह। तो आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हम इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थम की बात करूँगा। थम इनका माशाल्लाह लंबा है। अगर आप अपने अंगूठे को अपनी इस जुपिटर फिंगर के साथ मिलाएँ और इसकी लेंथ यहाँ तक पहुँचती हो तो अंगूठा अच्छी लेंथ में माना जाता है। अंगूठे का फर्स्ट फोर बता रहा है कि माशाल्लाह इनकी विल पावर ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। और सेकंड फोर जो होता है ये लॉजिक का होता है, प्लानिंग का होता है। तो लॉजिक प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बड़े मामला फेम है, कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और फिर उस काम को अपने काम को 100% ये मुकम्मल भी करते हैं। इसके अलावा अंगूठे पे बुद्धाई भी इनकी बन रही है, थोड़ी सी ओपन है। तो सिक्स सेंस माशाल्लाह इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। फेस रीडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं और रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। अब थोड़ा सा हाथ को जूम करके देखते हैं। देखिए, एक आलमी दीन के लिए जो सबसे जो अहम चीज़ होती है ना, ज़रूरी, जो उसको आलमी दीन बनाती है, वो है उसका जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट अगर आपका बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दीन का नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त है। ये कारी हैं जो किरत करते हैं ना, बड़ी खूबसूरत ये किरत करते हैं और इनका यूट्यूब पे चैनल भी है। तो बाकी ये कि बहुत खूबसूरत किरत है इनकी। तो और आलमे दीन भी हैं, स्कॉलर टाइप हैं, तो दीन का माशाल्लाह बेतहाशा नॉलेज है इनके पास। और बोलने का सलीका, अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं, बड़े ज़बरदस्त आलमाना गुफ्तगू होती है इनकी। तो देखें, एक आलम के हाथ में जुपिटर माउंट अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बनाया है। ये जुपिटर माउंट जितना आपका खूबसूरत होगा, इस पर अच्छे साइन होंगे, ये इतना आपको दुनिया में नेम फेम देगा, आपके पास नॉलेज आएगा। तो बिल्कुल इनके पास दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ा मर्तबा मकाम देगा। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा मर्तबा मकाम दिया हुआ है। अब जो इनको बड़ा मर्तबा मकाम मिला हुआ है, तो उसकी लाइन ये होती है, अगर जुपिटर पे इस तरीके से लाइन, खड़ी लाइन, ज़िंदगी की लाइन से निकल के ऐसे ये ऊपर की तरफ इस तरीके से लाइन जाए, तो ये आपको ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम देती है। अब दो लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो दोनों ये लाइनें इनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी देंगी, ये लाइन इनको ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम भी अता करेगी। अब अगर आप इनकी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन को देखें, तो ये मिली हुई हैं आपस में। ये तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। तो फितरतन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन बहुत खूबसूरत गुलाई में नीचे की तरफ आती है। तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ से ले कर यहाँ तक अगर ज़िंदगी की लाइन आ जाए, तो इसका मतलब यही होता है कि आप 80 से 90 80 से 90 साल तक इनकी एज हो सकती है। साथ गॉर्डियन एंजल लाइन इनको मिली हुई है। तो ये है जी जनाब इनके लाइफ पार्टनर की लाइन। तो लाइफ पार्टनर तकरीबन 24-25 साल की उम्र में इनकी मेरे ख्याल में शादी हो गई है। और उसके बाद लाइफ पार्टनर की भी अल्लाह ताला ने इनको भी जो लाइफ पार्टनर है, अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है। और उनका साथ, इनके साथ एक लंबा साथ चलेगा। इनके इनकी जो लाइफ पार्टनर की लाइन है वो भी लंबी है, और इनकी अपनी जो ज़िंदगी की लकीर है वो भी लंबी है। तो अल्लाह ताला दोनों को सेहत भी देगा, ज़िंदगी भी देगा, और दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ ये ज़िंदगी गुजारेंगे। बाकी वीनस माउंट पे जाओ, खड़ी ये वाली लाइनें होती हैं, ये औलाद की लाइनें होती हैं। तो तकरीबन 3 से 4 बेबी शो हो रहे हैं। बाकी माली मामलात इनके बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, रुपया पैसा ये ज़िंदगी में कमाएँगे और रुपये पैसे की कमी ज़िंदगी में नहीं होगी इनको बिल्कुल भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने इनको ये ब्रेन भी दी है। बहुत प्रैक्टिकल जहन के आदमी है ये, और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। और नॉलेज भी इनके पास अच्छा खासा है, क्योंकि मुझे ख़ुद दीन के साथ बड़ा लगाव है। तो
तो मेरी इनके साथ जो है वो मुख्तलिफ़ जो इस्लामिक हिस्ट्री है उस पर भी मेरी इनके साथ बात होती रहती है। तो माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ताला ने इनको ना इलम दिया है, नॉलेज दिया, और ये इनकी ब्रेन लाइन बता रही है कि ये इंतहा दर्जे के ज़हीन भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, मेमोरी इनकी बड़ी शार्प है, वो जो कि एक आलम दीन के पास होनी चाहिए। और यहाँ पर आप इनकी देखेंगे तो इनकी लक लाइन भी बड़ी कमाल की है। यहाँ पर लक लाइन यहाँ से ये स्टार्ट लेती है और देखें यहाँ पे आके ख़त्म होती है। एक राहु लाइन ने यहाँ काट है, एक राहु लाइन ने यहाँ काट है। तो कह सकते हैं कि 27-28 साल की एज में एक प्रॉब्लम बनेगी, दूसरी प्रॉब्लम 30-32 साल की उम्र में बनेगी। तो दो प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन बड़ी आसानी के साथ ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ने दोबारा स्टार्ट दी है, फिर ये ऊपर की तरफ निकलती है ऐसे करके, और फिर ये इस तरीके से ऊपर जाके दो शाखा होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्राइसिस आएंगी 27 से लेके ना 27 से लेके तकरीबन 35 तक, ये थोड़ी सी स्ट्रगल वाला टाइम होगा। कुछ घरेलू टेंशनें, कुछ ख़ानदान वालों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम इनके इनको मिलेंगे। और बाकी ये है कि किस्मत की लाइन ये बता रही है कि ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, और ओल्ड एज भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, इनके बुढ़ापा भी इनका अच्छा होगा, रुपये पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होगी, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और जो नेम फेम की शोहरत की लकीर है वो भी आप देख लें, ये इस तरीके से और ये फिर इस तरीके से, और यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा, थोड़ी बहुत जो है वो ओल्ड एज में यहाँ पर एक लाइन है, जैसे इस लाइन ने इसको क्रॉस की है तो थोड़ी सी कह लें कि 60 के करीब या 65 के करीब थोड़ी बहुत जो है वो प्रॉब्लम आएंगी। और यहाँ पर भी ये इस तरीके से जब कट बनता है, इस तरीके से कट बनता है तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम का बताता है। जहाँ पे भी किस्मत की लाइन को कोई लाइन काटती है ना तो उस लम्हे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। तो ये जो किस्मत की लकीर है ये मून से ही शुरू हो रही है, तो बिल्कुल ये ज़िंदगी में सफ़र बहुत करेंगे, क्योंकि आलमे दीन नज़र है पूरे पाकिस्तान में इनको बयान करना होता है और इन्होंने सफ़र करना होता है, तो ये बैरून मुल्क भी जाते रहते हैं, तो इसलिए इनकी जो सफ़र है वो इनके काफ़ी ज़्यादा इनके हाथ में मौजूद है। इसके अलावा दिल की लाइन की अगर आप हालत देखेंगे तो दिल थोड़ा सा मुझे इनका वीक लग रहा है, इनको अपने सेहत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये देखिए एक लाइन नीचे की तरफ आई है, ये जो लाइन ऐसे नीचे की तरफ आती है ये इंसान कह लेंगे ऐसे लोगों को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं कभी कभी, या कभी कभी ये होता है कि ऐसे लोग गुस्सा भी नहीं करते, जज्बाती भी होते तो हैं, लेकिन ये कि ऐसे लोगों को अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, जो इनको अपने रिश्तों से तवक्कात होती हैं वो पूरी नहीं होती, तो इससे इनका दिल जो है वो थोड़ा सा, देखिए दिल की लाइन का ऐसे नीचे की तरफ गिर जाना, दिल का नीचे की तरफ गिरना दिल की लाइन का ये बताता है कि जो इंसान जिन रिश्तों से मोहब्बत करेगा, जिन रिश्तों से बड़ा प्यार करेगा, कुछ रिश्ते इसको चीट करेंगे, कुछ रिश्तों से इसको दुख मिलेंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है, और ये कंफर्म बात है, ये कोई डाउट वाली बात नहीं है। बाकी एक अच्छे स्पीकर में यहाँ पर इसको मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें कहते हैं, तो ये ऐसे लोगों की गुफ्तगू बड़ी अच्छी होती है, ऐसे लोगों की ज़ुबान में तासीर बड़ी होती है, तो इस लिहाज से जो है ना इनके हाथ में अल्लाह ताला ने ये साइन भी रखा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तकरीबन हमने ये कवर कर लिया सारा हाथ, ये जो लेफ़्ट हैंड है तो ज़्यादा बेहतर ये है कि अब इनका राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड पे आप देखेंगे तो सेम वही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ये इनकी लाइफ लाइन है और ऊपर कामयाबी की लाइनें हमें नज़र आ रही हैं, इसी तरह फिर ये किस्मत की लकीर इस तरीके से मून से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से ज़िंदगी की लाइन से भी किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ उठी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर किस्मत की लाइन थोड़ी वीक हुई भी है तो ये वाली जो लाइन है ये किस्मत की लाइन को सपोर्ट देगी, यानी कि तकरीबन 35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, 27 से लेके 35 के दरमियान प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, और 40 के बाद भी मे भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएँ 40 से लेके 45 के दरमियान, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला उन प्रॉब्लम से निकलेंगे और आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। ये इनकी शोहरत की लकीर है, जब इस तरीके से ये ट्रायंगल बनता है तो ये भी इंसान को नेम फेम देता है, जैसे इनके हाथ में आप देखें ना ये शोहरत की लकीर है,
अब शुरू की लाइन इस तरीके से ट्राइंगल बना रही है और फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ये दो शाखें मिलके फिर इस तरीके से जब ये वाला साइन बनता है इनके दिल की लाइन के साथ मिलके शोहरत की लाइन एक बहुत बड़ा ट्राइंगल बनाती है। तो ये नॉलेज के लिहाज से इनकी, चूँकि ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये ज़ाहिर है कि आलिम हैं और कारी भी हैं, तो अल्लाह ताला ने जब ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल आपको देता ही नेम फेम है, आपको रुपया पैसा भी देता है और आपको नेम फेम भी देता है और आपके पास बेतहाशा नॉलेज भी होता है, स्पिरिचुअलिटी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इनको अता की हैं। बाकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ निकली है तो ये भी इनको फ़ायदा देगी। तो माशाल्लाह अगर मजबूती तौर पर देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो इनको ट्रैवल भी करवाएगी, इनके फ़ौरन ट्रैवल की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करेंगे, बैरून मुल्क भी जाएंगे। इसके अलावा ये जो लाइनें होती हैं ये मालो दौलत की लाइनें होती हैं, आसाइशों की लाइनें होती हैं ये वाली, और रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगा। और यहाँ पे एक ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, मनी ट्राइंगल छोटा सा, तो रुपया पैसा भी सेव करेंगे। और जुपिटर पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, जुपिटर पे माशाल्लाह हमें ये जो प्रोग्रेस लाइनें होती हैं ये भी इंसान को कामयाबी देती हैं, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ इंसान को मिलती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 40 के बाद मैंने बताया था कि ये एक लाइन सपोर्ट करेगी और यहाँ तक 40 तक इनकी ज़िंदगी तकरीबन 35 से लेके 40 तक कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, और फिर 40 से लेके 45 के दरमियान, यानी कि 40 से लेके 45 के दरमियान में भी थोड़ी सी स्ट्रगल, क्योंकि जहाँ पे किस्मत की लाइन मदम होती है ना वहाँ पे स्ट्रगल ज़रूर आती है, लेकिन यहाँ पे इनको ये वाली लाइन सपोर्ट करेगी, यानी कि अगर एक जगह से इनकम कम होगी तो दूसरी जगह से इनको इनकम आ जाएगी, तो दो जगह से इनको इनकम ज़रूर आएगी 40 के बाद, और आगे अल्लाह ताला इनको जो इनका बढ़ापा है वो भी अच्छा होगा, लेकिन ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, थोड़ी स्ट्रगल, वो चीज़ें साथ चलेंगी। हार्ट लाइन मुझे थोड़ी सी इनकी कमज़ोर लग रही है, आप देखेंगे ना, तो अब हार्ट लाइन कैसे कमज़ोर होती है ये देखिए आप, इस तरीके से ये थोड़ी थोड़ी इनके मदम मदम लाइन है, फिर एंड पे जाके ये इस तरीके से हार्ट अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हार्ट की एनर्जी वेस्ट हो रही है। ये सेम इस तरह होती है जैसे आप इलेक्ट्रिक वायर होती है तो उसकी इंसुलेशन उतरी होती है, तो वो अपना करंट जो होती है वो अपना वेस्ट करती है, ज़ाया करती है, तो इसी तरीके से जो हार्ट लाइन है वो भी अपनी एनर्जी जो है वो ड्रॉप कर रही है, ज़ाया कर रही है, तो इससे इनके हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इनको आगे चल के पेश आ सकती हैं। तो इनको अपनी सेहत का अभी से ख्याल रखना पड़ेगा, आयली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और कोशिश करें कि ये अपनी इनके खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है इनको। बाकी अगर आप देखेंगे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लकी हाथ है इनका, स्ट्रगल प्रॉब्लम हर बंदे की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दिमाग दिया है, भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। सबसे बड़ी दौलत होती है इंसान के पास कि आपको अल्लाह ताला ने दीन की दौलत दी है, ये चूँकि ज़ाहिर है कि एक आलम दीन जो होता है उसके पास तो इल्म के ख़जाने होते हैं, तो ज़ाहिर है साहिब इल्म आदमी है और ज़िंदगी में दुनिया में भी कामयाब होंगे, कल आखरत में भी कामयाब होंगे, क्योंकि एक बंदे का काम ही हर वक्त तबलीग करना है, दीन सिखाना है, अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करना है, अहले बैत का ज़िक्र करना है, तो हर वक्त ये ज़ाहिर है दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला जब किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं ना तो उसको अपने दीन की तरफ ले कर आता है, अपने रस्ते की तरफ ले कर आता है, तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा लकी हैं। बाकी इनकी जो मैरिड लाइन है वो देख लेते हैं, मैरिड लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है, खूबसूरत है, ये देख लें कितनी लंबी मैरिड लाइन है। तो शादी इनकी इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी, शादी के बाद भी हल्की सी एक लाइन रिलेशन की लाइन नज़र आ रही है, ये होता है कि शादी के बाद भी किसी का दिल को अच्छा लगना, इसको हम उस तरफ भी ले कर जा सकते हैं कि शादी के बाद कोई आपको अच्छा लगे, लेकिन हम इसको ये चूँकि दिल पर ये होती है, ये असल में रिलेशन्स की या आप किसी के साथ जो दिली वाबस्तगी होती है ना, किसी के साथ हम मोहब्बत करते हैं, किसी के साथ हम इश्क करते हैं या किसी के साथ हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो प्यार मोहब्बत आपको दुनिया में किसी भी रिश्ते के साथ हो सकता है, अपने गुरु के साथ हो सकता है, अपने टीचर के साथ हो सकता है, अपने माँ बाप के साथ हो सकता है, बहन भाइयों के साथ हो सकता है, अपने दोस्त के साथ हो सकता है,
तो ये बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ औरत और मोहब्बत, औरत और मर्द की मोहब्बत को तलाश करना है। ये असल में मोहब्बत की लाइनें हैं, और मोहब्बत आपको किसी भी इंसान के साथ शदीद जो मोहब्बत होगी ये लाइन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इनकी जो ज़िंदगी में ये दो लोगों से शदीद तरीन मोहब्बत करेंगे, दो हस्तियाँ हैं जिनके साथ इनको बेतहाशा मोहब्बत होगी। तो ये जो बड़ी लाइन होती है ये ज़्यादा गहरी शदीद मोहब्बत का बताती है, और ये जो दूसरी लाइन है ये थोड़ी कम मोहब्बत का बताती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के जनाब वीडियो को लाइक कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो पर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी फुल डिटेल में की जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुशहुरम रखे। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।